हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, लेटेस्ट पीपीआर्स की टाइमलाइंस आ चुकी हैं मेरे पास। नवंबर के काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं आज की पीपीआर्स की टाइमलाइन में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आज वाली वीडियो। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए गाइस, ताकि आप मेरे चैनल से आने वाली कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तो चलिए गाइस, लेटेस्ट पीपीआर की फर्स्ट टाइमलाइन देखते हैं। ओके गाइस, ये फर्स्ट देखिए, नवंबर 27 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन इनका सेम डे हो गया। बीसीएल इनको नेक्स्ट डे मिला नवंबर 28 को, उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई है फेब 24 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, और एक चीज़ और गाइस, आज मैं आपको बता दूं कि पीटीई पर काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं, तो रीअप्लाइड केसेस के भी काफ़ी रिजल्ट आए हैं। उनमें से ये है एक, फेब 8 को फाइल लॉज की थी, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया था, कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड पीपीआर मीन्स ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको आज फेब 26 को रिसीव हुई है। पीटी स्कोर था 61, बीटेक की हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 2011 पास्ड आउट हैं। ओके, अगला देखिए, ये भी पीटी पर है, 58 था स्कोर, बीसीए किया हुआ है इन्होंने, 2018 पास्ड आउट हैं, फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी फेब 10, सबमिशन कन्फर्मेशन इनका सेम डे हो गया। बीसीएल इनको फेब 12 को मिला है, कॉरेस्पोंडेंस लेटर फेब 24 को एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है फेब 25 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 13 फाइल लॉजमेंट डेट थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे का है, बीसीएल अक्टूबर 16 को मिला, कॉरेस्पोंडेंस लेटर जनवरी 6 को एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आज रिसीव हुई है फेब 26 को। ओके, नेक्स्ट देखिए, नवंबर 29 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे का है, बीसीएल नवंबर 30 को मिला है, कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई फेब 25 को। ओके, नेक्स्ट वन, फेब 7 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बीसीएल फेब 8 को, कॉरेस्पोंडेंस लेटर फेब 24 को आया और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई फेब 25 को। ओके गाइस, आगे देखिए, ये भी रीअप्लाइड केस है, दिसंबर 3 को फाइल लगाई थी, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया था और उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई फेब 25 को। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 4 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन हुआ दिसंबर 5 को, बीसीएल मिला दिसंबर 6 को, उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई फेब 25 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 5 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बीसीएल दिसंबर 6 को आया और उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड पीपीआर रिसीव हुई मींस ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई इनको फेब 25 को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 17 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बीसीएल आया नवंबर 18 को, उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई फेब 25 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रीअप्लाइड केस है, दिसंबर 3 को फाइल लगाई, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे हो गया और उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस लेटर एंड पीपीआर फेब 25 को रिसीव हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 3 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे, बीसीएल मिला दिसंबर 4 को, फिर कॉरेस्पोंडेंस लेटर फेब्रुअरी 25 एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है फेब 25 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, फाइल लॉजमेंट डेट है 27 नवंबर, बायोमेट्रिक्स थे 7 दिसंबर के, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज टोरंटो में अप्लाई किया है इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स के लिए, जनवरी इनटेक था, ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे और अब इनको पीपीआर रिसीव हो चुकी है 25 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट वन, इनको भी पीपीआर रिसीव हो चुकी है आज फेब 26 को, फाइल सबमिशन डेट थी दिसंबर 5, मेडिकल अपडेट ऑलरेडी जैन 7 को हो चुका था और पीपीआर फेब 25 को रिसीव हो गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइल लॉजमेंट डेट है 17 नवंबर, बायोमेट्रिक 13 नवंबर, सेम डे अपडेटेड, मेडिकल 21 सितंबर और जो कि अपडेट हुआ 2 फेब को, बीवीएल 25 फेब को आया और पीपीआर 26 फेब मॉर्निंग को रिसीव हुई है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, रीअप्लाइड केस है, इनके फ्रेंड को पीपीआर रिसीव हुई है, फर्स्ट टाइम लॉज किया था 10 अगस्त 2021 को, फिर रिफ्यूज़ल आया इनका 10 नवंबर 2021 को, फाइल लॉज की उसके बाद 12 नवंबर 2021 को एंड पीपीआर रिसीव हुई 26 फेब 2022 को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, ये व्यूअर है हमारे, फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी 7 दिसंबर 2021, बायोमेट्रिक्स थे 10 दिसंबर के, मेडिकल अपडेट इनका 23 दिसंबर को हो चुका था, नायग्रा कॉलेज टोरंटो के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, 2016 में ग्रेजुएशन की हुई है और पीपीआर इनको 25 फेब को रिसीव हो चुकी है।
ओके गाइस, सो दिस वन इज़ द लास्ट। सैनिका कॉलेज में अप्लाई किया था, एसटीएस कैटेगरी की फ़ाइल थी, 7 ओवरऑल स्कोर है आईएलटीएस में, 12 नवंबर को फाइल लॉन्च की है। मेडिकल इनका अपडेट 25 फेब को हुआ था, बायोमेट्रिक 1 दिसंबर को करवाए थे, रिव्यू स्टार्ट हुआ, बीवीएल एंड पीपीआर सेम डे इनको 26 फेब को रिसीव हुए हैं। ओके गाइस, तो ये थी आज की पीपीआर्स की टाइमलाइंस। रीअप्लाइड केसेस के काफ़ी रिजल्ट आए हैं, पीटीई पर भी वीज़ाज रिसीव हुए हैं लोगों को। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में मुझे अपने रिजल्ट आप बता सकते हैं, ईमेल पर भी आप अपने रिजल्ट, अपनी क्वेरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो टिल देन गाइस, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।